नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है एक ऐसा गार्डन पार्ट बना सकते हैं सिर्फ कार्टून के डब्बों की मदद से। आप जैसा चाहें शेप दे सकते हैं जो आपके लाइफ टाइम चलेगा और बहुत ही कम बजट में, 10 से 15 रुपए से भी कम बजट लगेगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कार्टून के डब्बे चाहिए। जैसे देखिए, ये हमने कार्टून के कुछ टुकड़े काट लिए हैं। कार्टून के डब्बे का एक परत निकाल दे ऊपर से, उसके बाद त्रिभुज टाइप के हमने टुकड़े काट लिए। आप चाहें तो स्टार साइड के या किसी और टाइप के उसमें डिजाइन बनाने के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद एक छोटा डब्बा ले लें। इस डब्बे में हम जो है हल्का गीला नम बालू जो हो, जो अस्थिर से उसमें पैक हो सके, पैक कर लिए। तो दोस्तों जो बनाने जा रहे हैं इसको बना लेते हैं। तो वास्तव में ही कम से कम बजट में, कोई ख़ास तकनीकी नहीं है जो आप भी बना सकते हैं। मैं ऐसा आसान तरीका ही बताता हूं जिससे आप लोग भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं और ये जो बन के तैयार होगा बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। उसमें बताता हूं कि ऐसा क्या मिलाना है जिससे लाइफ टाइम चले। देखिए ये बड़े डब्बे, उससे थोड़ा सा ओवर साइज के एक बड़ा डब्बा ले लेते हैं और जितनी हमें मोटाई परत चाहिए गमले के साइज की, उस साइज का ही इसे हमने डब्बा लिया है। इस तरह से आप भी डब्बा कोई ले सकते हैं। कार्टून के डब्बे में आसानी से ये बन जाता है। दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा देख लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कितनी आसान है इसे बनाना कि आप खुद ही बना लेंगे। मैं सबसे आसान तरीका ही बताता हूँ जिसे सभी लोग आसानी से बना ले सकते हैं। आपको कोई पार्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा शेप चाहिए वैसा आप शेप ले सकते हैं। तो देखिए, हमने थोड़ा सा सीमेंट लिया है, बस इतना ही सीमेंट लगेगा और इसमें थोड़ा सा हमने लाल बालू डाल दिया है जिससे कि मजबूती भरपूर रहे। और इसके लिक्विड जो बनाया जाएगा तो लिक्विड में डॉक्टर फिक्सिट एक आता है जो हमारे छतों का लिंटर किया जाता है तो डाला जाता है, वाटर प्रूफिंग का वो काम कर देता है जिससे लाइफ और हमारे गमले की बढ़ जाएगी, जो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें से थोड़ा सा हम सूखा अलग से रख लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं। एक्सपर्ट जो होते हैं अंदाज़ा से पानी डाल के ठीक कर लेते हैं कितना लिक्विड चाहिए। इनको लस्सी से थोड़ा सा मोटा टाइप का हमें लस्सी इसका बनाना है, सीमेंट बालू का। तो इसमें हमने निकालना भूल गया, लेकिन अब से हम निकाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा सूखा, ताकि अगर मोटा लिक्विड बन जाए और ज़्यादा पतला बन जाए तो उसमें हम थोड़ा सा मिला सकें। तो आप भी थोड़ा सा सीमेंट पूरा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अलग से निकाल के रख लीजिएगा, एक से दो मुट्ठी, ताकि अगर पतला बन जाए तो उसको हम फिर से मोटा कर सकें और अलग से सीमेंट मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए लिक्विड बनाने के बाद इस तरह से हम पूरे चारों तरफ से इस पर फैला देंगे। देखिए उतना ही सीमेंट बनाने में ये पूरा भर गया। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा गीला ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें हम सूखा सीमेंट जो हम निकाल के रखे हैं मिलाया हुआ मसाला, उसको मिला के और धीरे धीरे, ताकि चूँकि कार्टून का डब्बा है फैल सकता है, उसको फैला लेंगे। उसके बाद जो हमने कप में भरा है, छोटा छोटा ये चाय पीने का कप है, इसमें पहले ही सीमेंट बालू मिक्स इसमें हमने गीला करके भर लिया थोड़ा मोटा। उसके बाद इसको धीरे धीरे उठा के बस चारों ओर रख देंगे। बस हो गया अब दोस्तों हमारा काम। अब आइए मिलते हैं 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद देखिए ये बिल्कुल सूख जाता है। तो धीरे से कप के ऊपर से हम इसे हटा लेते हैं। कप हटाने के बाद इसे हम पलटेंगे और जिसमें हमने बालू भरा है वो पैक है, तो जब गमले को हम उल्टा करेंगे तो धीरे धीरे बालू निकालना है, क्योंकि 24 घंटे में सिर्फ कड़ा होता है, एकदम मजबूत नहीं बना रहता है। इस तरह हमने देखिए चारों ओर ईंट भी लगा लिया था कि जो गीला होकर के हमारा कार्टून फैले नहीं। तो आपको भी ऐसे ईंट लगा लेनी है ताकि फैलाव ना हो, ताकि गमला फूले टाइप का ना लगे, एकदम करेक्ट से पाए। देखिए जो हमने कार्टून चिपकाया था, अभी एक परत निकाले हैं, तीन परत में निकलेगा तो थोड़ा सा गड्ढा बनेगा और इस त्रिभुज टाइप का जो आगे पेंटिंग करेंगे तो एक खूबसूरत लगेगा। आप इस डिज़ाइन को थोड़ा अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमने जो सिंपल डिज़ाइन लगा फटाक से काट के लगा दिया था, तो आप इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। और ये जो गमला बनेगा, आप कोई भी फ्लावर पार्ट बहुत ही आसानी से निकाल लगा सकते हैं। देखिए जितना ये मान लीजिए इसमें से हम बालू निकाल रहे हैं, इतना इसमें सॉइल मीडिया आप आसानी से भर लेंगे। देखिए इतनी गहराई है, लगभग से 5 इंच से 6 इंची गहराई है। आप कार्टून का साइज़ बढ़ा के गहराई भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों।
हमने इसको डेमो के तौर पे बनाया है जो आप भी बना सकते हैं, और ये जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। फिर उसके बाद आप मनचाहा पेंट कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली ही ब्लू कलर का पेंट कर दिया है, बीच में थोड़ा सा पीला, आप अपने हिसाब से इसे पेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो ये इतना मजबूत बना है और वाटरप्रूफ भी बना है, क्योंकि हमने इसके सीमेंट में जो है वो मिलाया था, ये वाटर फिक्सिड जो आता लिक्विड वो मिलाया था। उसके बाद देखिए हमने इसमें गमला लगाना शुरू कर दिया, नीचे ड्रेनेज होल जो बनाए हैं उस पर जो है एक जो है पत्थर रख लेंगे, उसके बाद इसमें कार्टून का छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे, क्योंकि बिल्कुल वाटरप्रूफ है ये, कभी सीलन इस गमले में बाहर नहीं आएगी, तो बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। और इसमें जो है आप जो सॉइल मीडिया भरना चाहें भर के आप आर्ट आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में बने हैं तो वीडियो पूरा देख लें, थोड़ा सा ही है, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे पब्लिश होते हैं जो मैं अपने घर पर ही कोई भी पार्ट बना लेता हूँ, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिससे हम फेंक देते हैं, या एक कार्टून के डब्बों को कबाड़ में फेंक देते हैं। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी गार्डनिंग।